अस्सलाम वालेकुम, सहारा न्यूज के साथ मैं हूं आयशा। चलते हैं एक अहम खबर की तरफ। पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील करोड़ हुसैन में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर एक में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे बच्चियों ने शिरकत हासिल की। सेमिनार के बाद रैली को एसी करोड़ मलक फारूक अहमद, डीएसपी करोड़ लियाकत अली तारण और एसएचओ करोड़ मुरीद अब्बास लीड कर रहे थे। रैली हाई स्कूल से शुरू हुई और चुंडी मोड़ पर अख्तिताम पजीर हुई। मलक फारूक अहमद ने कहा कि हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर हमारी शाहरुख रग है। हम मजम्मत करते हैं कि हिंदुस्तान की फौज नहाते कश्मीर पर जुल्म कर रही है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول हल जो है उसकी तरफ बात तो हो जाती है कि हम मेडिएशन करेंगे। अमेरिका कह देता है, ब्रिटिश कह देता है कि हम मेडिएशन करेंगे, हम अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। इस तरह की जो अनामलीज होंगी बॉर्डर पे, अगर हम उनको हाईलाइट करेंगे, हम यकजा होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो वो जरूर सोचेंगे कि उन्हें कुछ करना चाहिए। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, रीजनल पीस जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। और हम आज इधर बैठे कश्मीरी भाइयों की, जो जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, हम उनको भी एटीट्यूड पेश करते हैं। और कश्मीरियों की जो रिजिलियंस है, जो 17 ईयर से वो पेश कर रहे हैं, हम उसको भी एटीट्यूड पेश करते हैं कि वो उन्होंने अपना हौसला नहीं आ रहा। वो कहते हैं जब तक हमें अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट नहीं मिलेगा, जब तक वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाएंगे, उनकी फाइट जारी रहेगी। और इस दिन का मकसद यही है कि हमारी सपोर्ट, हमारे पाकिस्तान की सपोर्ट, हम सब भाइयों की, बहनों की सपोर्ट अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान की ये ऑपरेशन जो है ये कम नहीं हो जाती। कैमरामैन शाहरुख अयाज खावर के साथ हाजी रियाज हुसैन, निजामी ब्यूरो चीफ, सहारा न्यूज लिया। तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर www.saharanews.hu।